Where is Rehan Vakhar? Rehan Vakhar quit Warangal Diaries. How did I buy Hayabusa? हक के पैसे मार के ले लिया इन्हें Hayabusa. एक्टर्स को बहुत कम पे करता हूँ और हमारे एक एक्टर को सिर्फ 20,000 रुपए दे रहा हूँ. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सच्ची अकाल, वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल. व्हाट इज अप, क्या हाल चाल, कैसे हो, क्या चल रहा है? Maybe this is the first time in my life I'm reacting to something, but I should really make this. Because हर जगह पे लोग comments कर रहे हैं, Instagram पे, YouTube पे, देख questions कर रहे हैं, and I hit that saturation point, I can't keep quiet anymore. तो ये वीडियो बना रहा हूँ. सब लोगों को Instagram पे, WhatsApp पे, DMs में, comments में, हर जगह reply तो दे नहीं सकता हूँ, तो एक वीडियो बना के डाल देंगे, इसमें सब लोगों को जवाब मिल जाता. इससे पहले कि मैं आप सबकी नज़र में ज्यादा negative ना हो जाऊँ, ना ज्यादा बुरा हो जाऊँ, रिकॉर्ड बटन दबा के बात करना स्टार्ट कर दिया. नॉट एंग्री, नॉट सैड, नो हार्ड फीलिंग्स. तो पहला मुद्दा ये है कि मैं सबके हक का पैसा मार के खा रहा हूँ, एक्टर्स को बहुत कम पे करता हूँ और हमारे एक एक्टर को सिर्फ 20,000 रुपए दे रहा हूँ. आप लोगों तक मैं 20,000 रुपए पे कर रहा हूँ बोलते से बात पहुंच गई, तो थोड़ा इन डिटेल और थोड़ा क्लियरली पहुंचे तो करेक्ट रहता बोल के समझ रहा हूँ. आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि हम लोग कितने दिन शूट करते, कितना टाइम शूट करते, कितने लोग शूट करते, पैसा कितना आता और कितनों में बंटता. तो देखिए भाई, हमारी शूट होती हफ्ते में एक दिन, यानी महीने में 4 दिन, 4 working days. वो 4 दिन भी सुबह के 10 या 11 बजे शुरू होके शाम के 6, 7, 8 बजे तक हो जाती, कभी कभी 9, 10 को भी पुश होती. 6 से 7 पॉइंट हम लोग शूट करते, कभी 5, 6 पॉइंट, उसमें अल्टरनेटिवली तू 2 पॉइंट कर, मैं 2 पॉइंट करता हूँ, इनो 2 पॉइंट करते, बल्कि हम लोग जो है डिवाइड कर लेके कर लेते. तो इसमें थोड़ा रेस्ट भी मिलता और साथ में हम लोग ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करते, लंच भी प्रोवाइड करते और डिनर भी प्रोवाइड करते. और हर शूट का प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर सब सारे चीज़ें मिला के 5 से 7 हज़ार रुपये खर्चा होता. तो 4 शूट्स का वो भी मैनेज करना रहता और बाकी म्यूजिक सब्सक्रिप्शन जो है वो पे करना. और महीने में 4 दिन हटाए तो और 26 दिन रहते. आप 26 दिन में कुछ भी कर सकते, कहीं भी जाके क्या भी कर ले सकते. 4 दिन के 20,000 मिल रहे, इसका मतलब 1 दिन के 5,000 हुए. फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छे आर्टिस्ट को मिलते भाई दिन के 5,000 रुपए. आई फील दैट्स अ गुड अमाउंट. मेरे पास 7 से 8 लोग काम करते, एडिटर्स, कैमरे के पीछे रहते से लोग और एक्टर्स. अगर मैं सब लोगों को 15-15, 20-20 हज़ार रुपए पे करा तो सिर्फ सबको देने के लिए मे को 1.5 से 2 लाख रुपए अरेंज करना रहता, सिर्फ पे करने के लिए, रखने के लिए नहीं होता. एंड वेयर एज वारंगल डायरीज पे वी हार्डली मेक $1,300 to $1,500 एवरी मंथ, कभी थोड़ा कम तो कभी थोड़ा ज्यादा. और उसमें 30% सिल्ली मॉन्ग्स का शेयर है, 30% पैसे कट होके आते, बिकॉज देयर आर मल्टी चैनल नेटवर्क. हमारी चैनल की सेफ्टी, यूट्यूब कॉन्टैक्ट और बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली डील करते हो लोग, तो 30% लोग लेते, 70% अपने को मिलते पैसे. और देर वेर डेज जबकि हमारे पास अच्छा रेवेन्यू नहीं था, अच्छे ब्रांड कोलेब्रेशन नहीं थे, तो पैसे नहीं आए, तो मैं घर से कर्जा लेके सब लोगों को दिए सो दिना है. मेरी पर्सनल सेविंग्स, मेरे व्लॉगिंग चैनल पे जो व्लॉग्स बना के पैसे कमाए कोलैबोरेशन से, और मेरे इंस्टाग्राम कोलैब से जो पैसा कमाया, उसमें से भी निकाल के सब लोगों को पैसे दिए सो है. जस्ट टू नॉट हैव दैट बैड रिमार्क कि इन्हें टाइम पे पैसे नहीं दिया. काम करे तो पैसे लेके जाओ, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है. द वन हु मैनेजेस फाइनेंस, उसको मालूम रहता पैसा कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा, किधर लग रहा, किधर नहीं लग रहा, कोसे कोसे चीज पे कैसा कैसा उड़ रहा पैसा, कैसा मैनेज कर रहे हैं अपन. सबसे ज्यादा स्ट्रेस मेरे पे रहता, मैं बहुत जबरदस्त मैनेज करते हुए आ रहा हूँ आज तक, बट स्टिल इट्स अ प्रॉब्लम. दूसरा मुद्दा, हाउ डिड आई बाई Hayabusa? हक के पैसे मार के ले लिया इन्हें Hayabusa. वाह भाई वाह, वाह जबरदस्त. आई चार्ज 80,000 to 1 lakh रुपीज फॉर 1 Instagram रील कोलैब. और 2-3 साल से मैं मामार्थ के साथ लॉन्ग टर्म कोलैब कर रहा हूँ मेरे व्लॉगिंग चैनल पे. हर महीने 2 वीडियोस देता था, आज 1 वीडियो दे रहा हूँ, फिर भी अच्छे पैसे कमा ले रहा हूँ उसके. मैं बाहर फिल्म के लिए काम करता हूँ, एक्ट करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, फ्रीलांस एडिटिंग भी करता हूँ, एडिटिंग करके दे के भी पैसे कमाता हूँ. आई हैव डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम, अलग अलग तरीके हैं पैसे कमाने के. एंड आई एम सुपर प्राउड दैट आई बॉट दिस बाइक By myself, मेरी खुद की कमाई से लिया ये गाड़ी. कभी किसी के हक का पैसा मार के नहीं खाया मैं. अल्लाह इज वॉचिंग, अल्लाह का खौफ है. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दिस, अगर मैं कभी किसी के साथ बुरा करा, कभी किसी को धोखा दिया, चीट करा, तो मेरे साथ भी बुरा होता, धोखा होता, चीटिंग होती. अगर मैं किसी को कुछ गलत कर दिया तो मैं भी जमीन के बल गिरूंगा ना, मेरे को ये डर है. तो इसीलिए मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करा, ये डर के कि कर्मा विल हिट बैक. Also, I don't need to tell my audience कि मैं इतना कमाता हूँ, इधर से इतने आते, मेरे को आप सब लोगों को बोलना ही नहीं है. आई एम टेलिंग ऑल ऑफ दिस टू यू बिकॉज कुछ ज्यादा ही गलत हो जा रही बात मेरे बारे में, गलत रास्ते पे जा रहा, टोटल नेगेटिव जा रहा. एंड आई डोंट वॉन्ट माई ऑडियंस टू टेक मी इन रॉन्ग वे, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स यू गाइज हु आर इम्पोर्टेंट टू मी.
इसलिए ये सब बता रहा हूँ। तीसरा मुद्दा, वेर इज रेहान वखार? रेहान वखार क्विट वारंगल डायरीज। रेहान भाई नहीं दिख रहे वारंगल डायरीज के वीडियोस में, कहाँ है? बोलो 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 बोल रहे हैं सब लगा। Yes, our actor Rehan Vakhar has joined another channel, so he won't be working with us. कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है पहले के जैसी। Just that कि रेहान दूसरा चैनल ज्वाइन कर लिया, हमारे चैनल में नहीं आने वाला है। And last point of the video, few people are targeting me, watching my success, मेरे को हसल करते हुए देख के, पैसे कमाते हुए देख के, नई गाड़ी लेते हुए देख के, जलन हसद से भरी हुई दुनिया है भाई। You guys know, आप लोगों को मालूम है कि कितने लोग मिलके मेरे अकेले को टारगेट बना रहे हैं, अकेले को टारगेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये बात भी मालूम होनी चाहिए, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि हाउ पावरफुल, ट्रूथफुल एंड स्ट्रॉन्ग आई एम। एंड आई एम सो हैप्पी दैट पीपल आर यूजिंग मी एज देयर कंटेंट टू अर्न सम यूट्यूब रेवेन्यू। चलो कुछ तो डॉलर्स कमा लिए, खैर कोई बात नहीं। दे ऑल्सो थिंक दैट दे माइट एंड माई करियर। वाह, मैंने कितनों का करियर बनाया और मेरा ही करियर एंड कर दोगे? एंड दैट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज फॉर दैट यू नीड टू किल माई टैलेंट, माई एजुकेशन, माई नॉलेज, माई स्किल सेट ऑन ऑल द क्राफ्ट्स। क्या है बाबा, तुमसे ना हो पाएगा। ये कुछ अपडेट्स आप लोगों को देना इम्पोर्टेंट है, समझा? दे दिया। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आने वाले हैं अपन वरंगल डायरीज पे। सपोर्ट अस एंड कंटिन्यू टू शावर योर लव। एंड फॉर ऑल द पीपल बीइंग ऑन माई साइड, थैंक यू सो मच। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी या। बहुत जल्द एक भारी बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, वेट फॉर इट।